हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास पर जो मेरे लेक्चर का सीरीज है उसमें का आज यह चौथा लेक्चर है। इसके पहले निश्चित रूप से आप मेरा पहला लेक्चर जो था वह हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास यह देख चुके होंगे। इसके बाद मेरा जो दूसरा लेक्चर था वह था भारतेंदु पूर्व हिंदी आलोचना और फिर भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना। तो आज हम द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना का अध्ययन करेंगे। तो यदि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी आलोचना के केंद्र में रखकर चलते हैं तो हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास को हम तीन स्टेजेस में बांट सकते हैं, तीन युगों में बांट सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पूर्व हिंदी आलोचना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद अर्थात शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना। तो शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं भारतेंदु पूर्व हिंदी आलोचना और भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना, और आज हम पढ़ने वाले हैं द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना। इसके बाद जो मेरे नेक्स्ट एपिसोड्स आएंगे वे रहेंगे शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना पर और शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना पर। शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना में कई प्रकार की प्रवृत्तियां देखी गई, जैसे कि स्वच्छंदतावादी, ऐतिहासिक, मार्क्सवादी, मनोविश्लेषणात्मक और नई समीक्षा। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडा हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना। हिंदी आलोचना को विकसित करने में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान सराहनीय है। उन्हीं का अनुकरण करते हुए द्विवेदी युग के अन्य लेखक भी आलोचना की ओर अग्रसर हुए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया था और उसमें भी उनके आलोचनात्मक लेख प्रकाशित होते थे। और उनके समय के जो अन्य समकालीन लेखक थे वो भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनुकरण करते हुए आलोचना की ओर अग्रसर हुए। द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना में धीरे धीरे अधिक तर्क शक्ति, विचार क्षमता और विवेचना शक्ति ने प्रवेश करना शुरू किया। द्विवेदी युग में क्या है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में जो आलोचना की जा रही थी वो अलग प्रकार की आलोचना थी, लेकिन जब द्विवेदी युग आया तब वो जो आलोचना की पद्धति पूरी तरह से बदल गई। यह बहुत ज्यादा लॉजिकल हो गया, तर्क शक्ति का सहारा लिया जाने लगा और फिर विचार विवेचन किया जाने लगा, मतलब थोड़ा गंभीर हो गया, पहले से अच्छा हो गया। भारतीय और पाश्चात्य साहित्य सिद्धांतों के अध्ययन और चिंतन के फलस्वरूप आलोचना की दृष्टि बहुत कुछ वैज्ञानिक होने लगी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में जो आलोचना लिखी जा रही थी तो उस समय जो विद्वान थे उनको न केवल भारतीय काव्य शास्त्र का उन्होंने अच्छा अध्ययन किया था बल्कि पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय समीक्षा सिद्धांतों का भी उन्होंने बहुत गहराई से अध्ययन किया था। इसलिए इस समय जो आलोचना लिखी जा रही थी वो बहुत कुछ साइंटिफिक हो गई थी, वैज्ञानिक हो गई थी, व्यवस्थित हो गई थी। द्विवेदी युग में हिंदी आलोचना की कई महत्वपूर्ण पद्धतियां विकसित हुई जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे, कौन कौन सी पद्धतियां थी और क्या क्या विशेषताएं थी। इस युग में कई पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी। सरस्वती, जिसका संपादन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कर रहे थे 1903 ईस्वी से, इसके अतिरिक्त माधुरी, वीणा, विशाल भारत, साहित्य समालोचक, मर्यादा आदि पत्रिकाओं ने आलोचना के क्षेत्र में बहुत ही योगदान दिया और आलोचना के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। ये पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी। ये मुख्य विशेषताएं हैं। द्विवेदी युग में हिंदी आलोचना के पांच रूप मिलते हैं या फिर पांच विशेषताएं पाई जाती है। शास्त्रीय आलोचना, शास्त्रीय आलोचना क्या थी, जो रीतिकाल के समय में रीतिकालीन समय के जो विद्वान रीति ग्रंथों या लक्षण ग्रंथों की रचना करते थे उन्हीं के आधार पर द्विवेदी युग में भी आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे जा रहे थे, उन्हें कहा गया शास्त्रीय आलोचना। तुलनात्मक आलोचना क्या है, तुलनात्मक आलोचना में दो कवियों या दो लेखकों की तुलना की जा रही थी इस समय। इसके बाद अनुसंधान पर आलोचना, मतलब बहुत ज्यादा रिसर्च किया जा रहा था कवियों के ऊपर और उनकी प्रवृत्तियों के ऊपर, विशेषताओं के ऊपर। परिचयात्मक आलोचना कौन सी थी, जो इतिहास के रूप में लिखी जा रही थी, हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में, है ना। परिचय मतलब लेखकों का परिचय, कवियों का परिचय, उनके इतिहास का परिचय कि उस समय कैसी ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिस्थितियां थी। और व्याख्यात्मक आलोचना मतलब टीका के रूप में, व्याख्या के रूप में, जो स्पष्ट करने के लिए, मतलब किसी साहित्यिक कृति की विशेषताओं के का उल्लेख करने के लिए, उनकी व्याख्या करने के लिए जो आलोचना लिखी जा रही थी। अब देखते हैं शास्त्रीय आलोचना, शास्त्रों पर आधारित। प्रथम वर्ग की शास्त्रीय आलोचना में संस्कृत आचार्यों की पद्धति पर लक्षण ग्रंथ लिखने की परंपरा है जो रीतिकाल से चली आ रही थी। लक्षण ग्रंथ मतलब काव्य के लक्षण, काव्य के अंगों और उपअंगों का वर्णन किया जाता था, उसे कहा जाता था काव्य के लक्षण ग्रंथ। तो इस परंपरा में कौन से विद्वान आलोचना कर रहे थे, इस प्रकार की आलोचनाओं में जगन्नाथ प्रसाद भानु, इनके द्वारा रचित काव्य प्रभाकर
तथा छंद सारावली, ये दो प्रमुख ग्रंथ हैं, है ना, शास्त्रीय आलोचना के ये प्रमुख ग्रंथ हैं। और लाला भगवान दीन रचित अलंकार मंजूषा महत्वपूर्ण है। जगन्नाथ प्रसाद ने अंग्रेजी में भूमिका लिखी और हिंदी के पारिभाषिक शब्दों के अंग्रेजी पर्याय भी दिए। तो जगन्नाथ प्रसाद भानु जी ने जो समीक्षा लिखी, जो आलोचना लिखी, उसका जो उन्होंने भूमिका लिखी, जो इंट्रोडक्शन लिखा, तो इंट्रोडक्शन उन्होंने अंग्रेजी में लिखा, और जो पारिभाषिक शब्दों का जो उन्होंने प्रयोग किया उसका अंग्रेजी मीनिंग भी दिया, अंग्रेजी समानार्थी शब्द भी दिया, पर्याय भी दिया। पारिभाषिक शब्द वो शब्द होते हैं जिनकी कुछ परिभाषा होती है, जैसे अस्तित्ववाद है पारिभाषिक शब्द है, मार्क्सवाद है, आधुनिकता है ना आधुनिकतावाद, ये सब पारिभाषिक शब्द है, तो इनके उन्होंने अंग्रेजी पर्याय भी दिए। अब तुलनात्मक आलोचना क्या होती है? तुलनात्मक आलोचना द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्ति कही जा सकती है। द्विवेदी युग में तुलनात्मक आलोचना का प्रचार प्रसार होने लगा है, इसका विकास हुआ, और यह उस समय की बहुत ही प्रमुख प्रवृत्ति कही जा सकती है। इस क्षेत्र में पंडित पद्मश्री शर्मा का नाम महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि तुलनात्मक आलोचना के जनक कौन है हिंदी साहित्य में, तो हिंदी साहित्य में तुलनात्मक आलोचना के जनक है पंडित पद्मश्री शर्मा। उन्होंने बिहारी और देव की तुलना द्वारा 1907 ईस्वी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किया। तो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में, यूजीसी नेट वगैरह में या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर लेक्चरर की परीक्षाओं में इसे पूछा जाता है ना, तुलनात्मक आलोचना का शुरुआत किसने किया? पंडित पद्मश्री शर्मा ने किया, और बिहारी और देव की इन्होंने तुलना किया। मिश्र बंधुओं, मिश्र बंधुओं के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो मिश्र बंधुओं में कौन कौन से आते हैं? पंडित गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इनके द्वारा रचित हिंदी नवरत में भी तुलनात्मक आलोचना को महत्व दिया गया है। यह हिंदी साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदी नवरत्न, इसमें भी तुलनात्मक आलोचना को महत्व दिया गया है। लाला भगवान दीन और कृष्ण बिहारी मिश्र, है ना, कृष्ण बिहारी मिश्र और लाला भगवान दीन ने देव और बिहारी की विशद तुलना करते हुए एक को दूसरे से बड़ा सिद्ध करने का प्रयास किया। तो लाला भगवान दीन और कृष्ण बिहारी मिश्र ने क्या प्रयास किया कि देव बड़े हैं कि बिहारी बड़े हैं, इन्होंने इन दोनों की तुलना किया। किसी ने देव को बड़ा बताया, किसी ने बिहारी को बड़ा बताया, तो इस प्रकार इन्होंने तुलना करते हुए तुलनात्मक आलोचना को विकसित किया। ये बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ है, परीक्षा में आते हैं, इनको याद कर लीजिएगा। अनुसंधान परक आलोचना, अनुसंधान परक आलोचना का विकास नागरी प्रचारणी पत्रिका के द्वारा हुआ है, 1857 में इसका प्रकाशन हो रहा था, है ना, अनुसंधान परक आलोचना। शोध परक आलोचना के उल्लेखनीय आलोचक हैं मिश्र बंधु, श्यामदास, जगन्नाथ दास रत्नाकर और सुधाकर द्विवेदी। अनुसंधान मतलब पूरा रिसर्च, डीप रिसर्च करना, डीप स्टडी करना साहित्यकारों के बारे में। तो मिश्र बंधु रचित मिश्र बंधु विनोद 1913 में कवियों के जीवन वृत्तों के साथ उनके कृतियों की जानकारी तथा उनके काव्य के संबंध में अपना मत प्रकट किया गया। हिंदी साहित्य का इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। इसमें क्या किया, कवियों की बायोग्राफी के बारे में वर्णन किया गया, जीवन वृत्त के बारे में, और उनके कृतियों की जानकारी दी गई, और उनके काव्य के संबंध में अपना विचार प्रकट किया गया। आगे चलकर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जयपुर से समालोचक पत्रिका 1902 ईस्वी में पत्र निकाला, जो मुख्यतः आलोचना का पत्र था। इस पत्र से हिंदी आलोचना का स्तर ऊंचा हुआ। प्रतियोगी परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि समालोचक पत्रिका कहाँ से निकलती थी, समालोचक पत्रिका के संपादक कौन थे, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। तो ये इस युग से हिंदी आलोचना का स्तर बहुत ही ऊंचा हुआ। तो ये देख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ आपको। परिचयात्मक आलोचना, इंट्रोडक्शन देना। परिचयात्मक आलोचना में सरस्वती पत्रिका के माध्यम से स्वयं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई आलोचना है। सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने शुरू किया था, और इसमें उनके द्वारा लिखित आलोचनाएं प्रकाशित की जाती थी। द्विवेदी जी ने विषय विवेचन के साथ ही भाषा संबंधी त्रुटियों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया। तो उन्होंने न केवल विषय के ऊपर विचार विवेचन किया, उस पर विचार विमर्श किया, बल्कि भाषा की शुद्धता पर भी इन्होंने सर्वाधिक ध्यान दिया। भाषा संबंधी त्रुटियों पर भी बहुत ज्यादा ध्यान आकृष्ट किया। यह कार्य उन्होंने अपनी समालोचना द्वारा ही किया। उन्होंने समालोचना समुच्चय नाम से अलग से अपना एक निबंध संग्रह प्रकाशित किया, जिसमें ज्ञान विज्ञान तथा प्राचीन काव्य से संबंधित उनके कई महत्वपूर्ण लेख संग्रहित है। तो इन्होंने एक निबंध संग्रह प्रकाशित किया था, समालोचना समुच्चय। परीक्षाओं में यह भी पूछा जाता है कि समालोचना समुच्चय किसके निबंधों का संग्रह है, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का।
इन्होंने ज्ञान विज्ञान और प्राचीन जो काव्य थे उनसे संबंधित कई महत्वपूर्ण लेख उन्होंने इसमें लिखा। उन्होंने अपनी आलोचना में उन्हीं कृतियों का महत्व दिया जो सामाजिक उत्थान और राष्ट्रीय विकास की भावना फैला रही थी। मतलब सिर्फ उन्हीं कृतियों का महत्व दिया, उन्हीं रचनाओं का महत्व दिया जो सामाजिक उत्थान में अपनी भूमिका निभा रहे थे, समाज के उत्थान में, उनकी उन्नति में और राष्ट्र के विकास में। द्विवेदी जी संस्कृत के कालिदास, भवभूति, भक्ति काल के सूरदास, तुलसीदास तथा आधुनिक हिंदी के भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं मैथिली शरण गुप्त के प्रशंसक थे। उनका आलोचनात्मक ग्रंथ हिंदी कालिदास की आलोचना जो 1901 में प्रकाशित हुई थी, हिंदी में आलोचना साहित्य की किसी कवि पर पूरी तरह विचार करने वाली पहली पुस्तक मानी जाती है। तो देखिए, किसी कवि पर उसके पूरे जीवन काल पर उनके पूरी रचनाओं पर विचार करने वाली जो पहली किताब है हिंदी कालिदास की आलोचना, यह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो किताब है यह किसी कवि पर विचार करने वाली हिंदी साहित्य की पहली पुस्तक मानी जाती है। अब व्याख्यात्मक आलोचना क्या होता है? व्याख्यात्मक आलोचना में आलोच्य विषय की उपयोगिता को ध्यान में रखा जाता है कि तथा नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और सौंदर्य परक मूल्यों के आधार पर विशद और गंभीर विवेचन किया जाता है। तो व्याख्यात्मक आलोचना में यह देखा जाता है कि किसी कृति की उपयोगिता क्या है, कि वह समाज के लिए कितना उपयोगी है और उसमें कितने नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य और सौंदर्य परक मूल्य उसमें कितना समाहित है और इसके आधार पर उसका विस्तार से और गंभीरता से विवेचन किया जाता है। तो बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप में नील देवी, परीक्षा गुरु और संयोगिता स्वयंवर की गंभीर आलोचना करके इस पद्धति को मजबूत किया। तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नाम की पत्रिका में नील देवी, परीक्षा गुरु और संयोगिता स्वयंवर की आलोचना की है और यह आलोचना व्याख्यात्मक आलोचना के अंतर्गत शामिल की जाती है। बाल मुकुंद गुप्त ने हिंदी बंगवासी में, हिंदी बंगवासी कोई पत्रिका रही होगी, मैं अश्रुमती नामक बंगला नाटक के हिंदी अनुवाद, अश्रुमती नाम का एक बंगला नाटक था उसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? मुंशी उदित नारायण। इसकी आलोचना के द्वारा इस परंपरा को आगे बढ़ाया, किंतु आलोचना की इस गंभीर शैली का पूर्ण विकास आगे चलकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। तो इन्होंने गंभीरता से आलोचना का काम तो चालू किया था, लेकिन इसको और ज्यादा परिष्कृत करने में, इसको आगे बढ़ाने में, इसे शुद्ध करने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका पूरा आगे चलकर उसका विकास किया और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इस तरह द्विवेदी युग में आलोचना के दो प्रतिमान मुख्य रहे, दो मापदंड मुख्य थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में। एक तो परंपरागत शास्त्रीय दृष्टि, जिसके आधार पर आलोच्य कृति के गुण दोषों का विवेचन किया जाता था, उसे उत्कृष्ट या हीन बताया जाता था, मतलब शास्त्रीय दृष्टिकोण जैसे लक्षण ग्रंथ वगैरह के आधार पर, और दूसरी नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों की दृष्टि जो आलोच्य कृति के प्रभाव को ध्यान में रखकर उसे श्रेष्ठ या हीन सिद्ध करती थी। मतलब दूसरा यह देखा जाता था कि इस कृति की उपयोगिता क्या है, कि इसमें कितने नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य समाहित है और वह समाज के लिए कितना उपयोगी और कितना प्रभावी है, मतलब समाज के लोगों पर जो प्रभाव पड़ता था उसका, उसको ध्यान में रखकर उस कृति को हीन या फिर श्रेष्ठ सिद्ध किया जाता था। तो इस प्रकार हमने देखा कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में जो आलोचना पद्धति थी किस प्रकार की थी, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं थी और कौन कौन से प्रमुख आलोचक, उनकी प्रमुख कृतियां कौन सी थी। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा वह शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना पर होगा। तो यदि आज का मेरा यह लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं। साथ ही यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें।